हाँ हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। मैं आपको यहाँ पे आज बैटरी चार्जिंग मशीन के बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा बैटरी चार्जिंग मशीन है 96 वोल्ट का, और इसमें हम किस भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ये नेशनल कंपनी का है। तो ये इसमें क्या क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में लगा देंगे और इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में लगा देंगे। 96 वोल्ट जैसा कि इसमें ये लिखा है, 96 वोल्ट यानी हमारी 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, तो इसमें हम 12 8 96 8 बैटरीज को एक साथ चार्ज कर सकते हैं। ये हमारा वोल्टेज का जो है रेगुलेटर है, इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप देख सकें तो लिखा है 1 2 3 4। अगर 1 पे है तो एक बैटरी यानी 12 वोल्ट चार्ज करेंगे। अगर इसको 2 पे कर देते हैं तो यानी हम 12 2 24 24 या 2 बैटरीज को चार्जिंग पे लगा सकते हैं। और ये हमारा करंट है, ये करंट के कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 है 2 है, यानी 2 का मतलब है 20 एम्पेयर्स। तो यानी हम अगर बैटरी चार्जिंग हो रही है तो 20 एम्पेयर्स बैटरी, ये जो बैटरी चार्जिंग मशीन है, एक टाइम पे उसको करंट दे रहा है चार्ज के लिए। ऐसे ही 3 और ये 4। अभी हमारी कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, नहीं तो ये एम्पेयर मीटर है, ये आगे फ्लक्चुएट करेगा जैसे जैसे हम जो है एम्पेयर बढ़ाते जाएंगे। तो यही सब है इसमें, और ये ऑन है ऑफ है। हम डायरेक्ट अगर ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ कर देंगे, ऑन करना है तो यहाँ से ये ऑन हो गया है, तो ये अच्छा है। और रही बात बैटरी कनेक्शंस की, जैसे हम नेगेटिव बता दिया है और पॉजिटिव कर दिया है बैटरी होती तो मैं आपको बैटरी दिखा देता, बैटरी अभी कोई है नहीं हमारे पास। तो इसमें हम नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और आगे जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज बनती जाएगी और हम 8 बैटरीज को एक साथ में चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये है, तो दैट्स इज फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, तो आगे भी आपको ऐसी इनोवेटिव वीडियोस में डालता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।